हेलो बच्चों, आपका हमारे आत्मा एकेडमी चैनल में स्वागत है। हमने इसके पहले आपको लेंस के बारे में बहुत सारे प्रूफ बताए हैं, फोकल लेंथ उसका निकालना, लेंस मेकर फॉर्मूला। आज हम बात करने जा रहे हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। अगर दो लेंसेज कॉन्टेक्ट में रख दिए जाए, दूसरे के संपर्क में रख दिए जाए, तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकाली जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोथ आर कॉन्वेक्स, दोनों कैसे हैं, बोथ आर कॉन्वेक्स, दोनों उत्तल लेंस है। ठीक है, देखिए ध्यान से। अच्छा, ये हमें फॉर्मूला मालूम है फोकल लेंथ के बारे में, रिलेशन आप पढ़ चुके हैं कि 1/f = 1/v - 1/u, इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। देखिए, हमने कहा कि मान लिया एक कॉन्वेक्स लेंस है L1, पतला लेंस हम मान के चल रहे हैं, ये L1 एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ हमने मान ली है F1, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा है एट डिस्टेंस U। तो ये लेंस क्या करेगा, इसका जो इमेज है वो यहां कहीं बना देगा, कहां पर, I डैश पे, और यहां से कितनी दूरी पे, V डैश पे। तो आप देखेंगे लेट L1 इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ F1, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट O एंड इट मेक्स इट्स इमेज एट I डैश एट द डिस्टेंस V डैश फ्रॉम द लेंस। ठीक है, तो बाय लेंस फार्मूला 1/f1 = 1/v - इमेज V डैश पे है -1/u। पहला इक्वेशन, हम क्योंकि यहां डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला कि हम विद साइन लेकर के उसको प्रूफ करें, हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा लेंस यहां पर इसके साथ रखा हुआ है L2, ये दूसरा लेंस इसके साथ कंबाइन रखा हुआ है L2, बहुत कम थिन लेंस है, इसके बीच की दूरी जो है वो नेग्लेजिबल है। तो जो I डैश होगा वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये इसकी फाइनल इमेज कहां बना देगा, I पे, और दूरी क्या हो जाएगी, V। ठीक है, तो लेंगे लिखेंगे लेट L2 इज अ प्लेस विद कॉन्टेक्ट विद L1 एंड I डैश विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर L2 एंड L2 मेक्स इट्स फाइनल इमेज एट I एट डिस्टेंस V फ्रॉम L2। तो बाय लेंस फॉर्मूला 1/f2 = 1/v - 1/u क्या है, U आपका ये V डैश, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या आएगा 1/f1 + 1/f2 = 1/v - 1/u, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब अगर मैं मान लूं कि इफ कैपिटल F इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, अगर मैं मान लूं कि इसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो कैपिटल F है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इस पूरे लेंस को आपने एक मान लिया, तो एक माना तो ऑब्जेक्ट U दूरी पे है और इमेज कहां बनेगी, V दूरी पे, तो 1/f = 1/v - 1/u, ये क्वेश्चन 4 है। जरा क्वेश्चन 3 और 4 को देखिए, ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों रिजल्ट भी सेम होंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 4, इनको कंपेयर कर दीजिए, हो जाएगा 1/f = 1/f1 + 1/f2, ये कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, या इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यह जाएगा f1 + f2 / f1 f2, तो f = आएगा f1 + f2, तो ये हो गया जब व्हेन बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब अगर यहां पर एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है तो क्या होगा, अलग से प्रूफ नहीं करना, इसी में बढ़ा दीजिएगा, स्पेशल केस हम लेके चलेंगे, एक स्पेशल केस नंबर 1, व्हेन 1 इज कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स है एंड अदर इज कॉनकेव, एक उत्तल है एक अवतल है,
तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ एफ वन होती है और कॉनकेव की माइनस एफ टू होती है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ वन ये माइनस एफ टू अपान एफ वन माइनस एफ टू, तो माइनस एफ वन एफ टू अपान एफ वन माइनस एफ टू, ये कंबाइंड फोकल लेंथ होगी। ठीक है, अब यहां पर ये डिसाइड होता है कि भाई जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम, क्योंकि फोकल लेंथ पावर में रिलेशन क्या होता है, पावर फोकल लेंथ की उल्टी होती है, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम, तो दोनों लेंसेज में से जिसका पावर ज्यादा होगा वो उसी तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया आपका माइनस एफ वन एफ टू अपॉन एफ वन प्लस एफ टू, या आप माइनस हटा दीजिए यहां से तो आएगा एफ वन एफ टू अपॉन एफ टू माइनस एफ वन, ये एफ वन। ठीक है, यहां पर तीन केसेस आपके यहां पर आ रहे हैं, नोट देखिए। नोट नंबर वन, अगर एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू, एफ वन बोले तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है, तो अगर हम मैथमेटिकली को छुपा लें, फिजिक्स की भाषा में बात करें, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की ज्यादा है, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है उसका पावर कम होता है, तो कॉनकेव की पावर ज्यादा होगी, तो कॉनकेव की पावर ज्यादा हो जाएगी तो कॉनकेव तरह बिहेव करेगा। ये तो हमने फिजिक्स के आधार पर आंसर दिया। मैथमेटिकली देखें, एफ वन वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी, तो एफ विल बी निगेटिव, तो मतलब इट विल बिहेव लाइक, इट विल बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, फिजिक्स के आधार पे तो हम ऐसे बोल चुके थे। दूसरा है कि अगर एफ वन की वैल्यू एफ टू से बराबर हो गई, एफ वन कह रहा है कि हम जो रेज आएंगी उनको प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलाएंगे, एफ टू कह रहा नहीं हम दूर कर देंगे, अब वो मिलाना चाहता है वो दूर करना चाहता है, दोनों की पावर सेम है तो ना तो मिला पाता है ना तो दूर कर पाता है, और वो इनफाइनाइट चली जाती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां एफ क्या हो जाएगा, एफ इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इट विल बिहेव लाइक अ प्लेन प्लेट, इट विल बिहेव लाइक अ ग्लास स्लैब, प्लेन प्लेट, प्लेन प्लेट, प्लेन प्लेट तरह बिहेव करता है। और तीसरी बात, अगर एफ वन इज लेस देन एफ टू है तो एफ पॉजिटिव होगा, इट विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस, इट विल बिहेव लाइक कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है तो सिंपल सी बात है दोनों का नेचर अलग अलग है, और दोनों का नेचर अलग अलग है तो दोनों मिलकर के जिसका पावर ज्यादा होगा उसकी तरह वो काम होगा। ठीक है, अब अगला है कि अगर मान लिया इफ बोथ द लेंसेस आर कॉनकेव, इफ बोथ द लेंसेज आर कॉनकेव, तो दोनों की फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगी, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एफ वन इंटू माइनस एफ टू अपॉन माइनस एफ वन माइनस एफ टू, तो आएगा माइनस एफ वन एफ टू अपॉन एफ वन प्लस एफ। तो इस प्रकार से ये फोकल लेंथ हो गई आप कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस, अगर दो लेंसेज जोड़ के रखे गए हैं तो ये उनके फोकल लेंथ का फार्मूला होता है। ठीक है, एक फार्मूला एक नोट करके लिख लीजिएगा, आपके बुक में तो नहीं होगा। देखिए, अगर दो लेंसेस की फोकल लेंथ एफ वन एफ टू है और दे आर प्लेस एट डिस्टेंस डी, इफ एफ वन एंड एफ टू बी द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज एंड दे आर सेपरेटेड, दे आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, तो उसकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, देन फॉर्मूला फॉर कंबाइंड फोकल लेंथ, कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस
वन अपान एफ टू माइनस डी अपान एफ वन एफ टू। इसको अलग से कंपटीशन के बेस पे आप याद कर लीजिए, आपके यहां सिलेबस में तो नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका कंबाइंड फोकल लेंथ। अब देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस देखिए जो फिजिक्स में डेफिनेशन होती है दो प्रकार की होती है। एक तो फिजिकल डेफिनेशन होती है जो फिजिक्स के आधार पर होती है। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है लेंस के अंदर जब लाइट जाती है तो कितना उसको बेंड कर सकता है, बेंडिंग एबिलिटी, बेंडिंग कैपेसिटी, कॉन्वेक्स कितना उसको झुका सकता है, कॉनकेव कितना उसको दूर कर सकता है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस देखिए कोई भी लेंस जितना अधिक कर्व होगा उसका फोकल लेंथ उतना ही कम होगा, और जितना कर्व कम करते जाओगे उतना फोकल लेंथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू वन अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एफ, और शर्त क्या है, मीटर में दी हुई है, यानी पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, एफ इज गिवन इन मीटर। इसका यूनिट या तो मीटर इन्वर्स होगा या डायरेक्टर होगा। और यहां जो फोकल लेंथ लिखी जाएगी वो विद साइन लिखी जाएगी। अगर मान लिया कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो कॉन्वेक्स का पावर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस प्रकार से आता है। अगर कंबाइंड पावर निकालनी हो, कंबाइंड पावर ऑफ टू लेंसेस, पावर ऑफ टू लेंसेस, तो अभी हम बता चुके हैं वन अपान एफ वन इज इक्वल टू वन अपान एफ वन प्लस वन अपान एफ टू, तो पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू। तो जितने भी जो लेंस जोड़ोगे उसकी पावर प्लस होती जाएगी, लेकिन विद साइन, कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव। अब आता है लीनियर मैग्निफिकेशन, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं उसमें मिरर में, यहां भी वही चीज है। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। तो आप इमेज का साइज हमने बताया था, लीनियर का मतलब होता है लेंस के सामने हम बैठे और मैं ऐसे मोटा दिखती हूं, ये लेटरल होता है। ये वाली हाइट जब बढ़ती है तो ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज इसको आई से लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट की साइज ओ से लिख सकते हैं, इसके रेशियो को हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉनकेव के लिए कर सकते हैं आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ डैश, यहां से एक लाइट रे गिरी ओ ए, और एक कहां से ऊपर जाएगी, फोकस से ऊपर जाएगी एफ, और एक आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा और जहां पे मिलेगी वहां इसकी इमेज बन जाएगी आई आई डैश। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की दूरी यू है, ये इमेज की दूरी वी है। अब आपको इसका लीनियर मैग्निफिकेशन चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है ट्रायंगल कौन सा लिया जाए, तो देखिए जिसमें ऑब्जेक्ट की हाइट हो और इमेज की हाइट हो वो ट्रायंगल ले लीजिएगा। ट्रायंगल सी ओ ओ डैश, ट्रायंगल सी ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल सी आई आई डैश, सी आई आई डैश आर सिमिलर, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। तो सिमिलरिटी की थ्योरम निकाल लगा दो, आई आई डैश में लिखेंगे आप आई आई डैश अपान ओ ओ डैश इज इक्वल टू सी आई अपान सी ओ। हमने इसकी हाइट को y1 माना है, इसकी हाइट को y2 माना है, क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है तो माइनस y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू सी आई हो जाएगा प्लस का v अपॉन माइनस का u, या y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू v अपॉन u। तो जब हम मैग्निफिकेशन बारे में बात करेंगे m, m क्या होता है, y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू v अपॉन u। अब आप कहेंगे साइन, देखिए जब आप यहां पर एम निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वाई टू निगेटिव होगा, एम निगेटिव आएगा, तो जब इसका इस्तेमाल करेंगे
तो यू निगेटिव होगा, तो एम अल्टीमेटली निगेटिव आएगा, और निगेटिव आने का मतलब होता है ये उल्टी इमेज बनी हुई है, पहली चीज। और अगर एम वन से बड़ा है तो यानी इन लार्ज इमेज है, एम वन से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। इसके फोकल लेंथ के टर्म में कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हें आप देख लीजिए। ने वी अपान यू को एम लिखना है, ठीक है। तो एक नोट लेकर के एक दो फॉर्मूले और बना दीजिएगा, एक नोट लिखिएगा। देखिए वी नो दैट, आप कहेंगे कॉपी में वी नो दैट क्यों लिखते हैं, भाई मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं आई नो दैट। देखिए जब आप वी नो दैट लिखते हैं ना, यू आर इंडिक यू आर टॉकिंग अबाउट यू एज वेल एज एग्जामिनर हु इज चेकिंग योर वर्क, ठीक है। वन अपान एफ इज इक्वल टू होता है वन अपान वी माइनस वन अपान यू, ये क्वेश्चन हो गया। इसको एक बार यू से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई यू, तो क्या हो जाएगा, यू अपान एफ इज इक्वल टू यू अपान वी माइनस वन। अभी हमने कहा एम बराबर वी अपान यू होता है, तो u अपान f ये क्या हो जाएगा, वन अपान m हो जाएगा माइनस वन, वन को इधर ले आओ, u अपान f प्लस वन इज इक्वल टू वन अपान m, तो वन अपान m इज इक्वल टू u प्लस f अपान f, तो m इज इक्वल टू f अपान उफ, यानी u प्लस f उफ नहीं है, ये m का एक फार्मूला हो गया। यानी m का एक फार्मूला आपने पढ़ा v अपान u, एक हो गया आपका f अपान u प्लस f। एक बार मल्टीप्लाइज को v से कर दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई वी, वी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, v अपान f इज इक्वल टू वन माइनस v अपान u, ये क्या होता है m, तो v अपान f इज इक्वल टू वन माइनस m, m को इधर ले आओ, m इज इक्वल टू वन माइनस v अपान f, तो m की वैल्यू क्या आएगी, f माइनस v अपान f। तो एक ये फॉर्मूला हो गया f माइनस वी अपान f। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट की साइज दी हुई हो, इमेज की साइज दी हो, तो साइज ऑफ इमेज अपान साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। अगर u और v दिया हो तो ये लगा दीजिए, u और f दिया हो तो ये लगा दीजिए, v और f दिया हो तो ये लगा दीजिए। और आप कहेंगे साहब हमको u और f दिया फॉर्मूला नहीं याद हो, तो वन अपान एफ इजिकल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू से यू और वी निकाल लीजिए। तो इस प्रकार से ये लेसन लगभग लगभग खत्म हो गया है, ठीक है। एक कंसेप्ट और है, उसको आपको हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक बात है, ना समझ में आए तो बुक से रट लीजिएगा। देखिए अगर किसी भी लेंस को किसी लिक्विड में डाल दीजिए तो लेंस उस लिक्विड में कैसे बिहेव करता है। देखिए अगर मैं इसको मान लूं मीडियम, समझने को उसके लिएगा, ठीक है, आपका क्लास आपका मीडियम है और ये है लेंस, ये है टीचर, ठीक है। टीचर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 है और मीडियम का n2 है। मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को एक तरीके से पावर से मानता हूं, मान लेता हूं। तीन केसेस यहां हो सकते हैं, या तो लेंस n1 ये मीडियम क्लास जो आपका हम क्या ले रहे हैं, मीडियम ले रहे हैं, और टीचर को हम क्या ले रहे हैं, लेंस को टीचर ले रहे हैं। जरा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। देखिए क्लास में टीचर आया आपके, फर्स्ट डे आया है, डेमो क्लास है। डेमो क्लास में क्या होता है कि उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है n1, वो वैसे तो आपसे बड़ा होगा, बड़ा ही हुआ, उसको नॉलेज ज्यादा होगा, लेकिन जिस समय क्लास में आएगा उस समय फर्स्ट डे जब डेमो क्लास होता है तो सामने वाले थोड़ा अजीब लगता है कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन पूछ रहे। तो अगर n1 n2 से बड़ा होगा तो ये लेंस रहेगा, तो लेंस कॉन्वेक्स लेंस ही रहेगा, टीचर ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी पावर कम हो जाएगी। यानी अगर n1 n2 से बड़ा है तो क्या होगा, पावर जो उसकी हो जाएगी, पावर विल लेस, या क्या कहें, घट जाती है, पावर विल डिमिनिश, पावर उसकी घट जाती है, और f क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज, देखिए पावर डिक्रीज हो जाती है उसकी और f इंक्रीज हो जाता है। समझ में ही बात नहीं है, फिर से समझिएगा। टीचर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, नॉलेज है, वो आपसे ज्यादा है, लेकिन डेमो क्लास में आया है तो रहेगा तो टीचर, रहेगा कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन उसकी पावर थोड़ी डिक्रीज आएगी, थोड़ा सा लगेगा पता नहीं क्या क्वेश्चन ये पूछ ले, ठीक है।
और चूंकि आप जानते हो डेमो क्लास है, मेरे मुझे एग्जाम में नंबर भी देगा नहीं, अभी तो अपॉइंट नहीं हुआ वो, तो आप भी उसमें एग्रेसिव रहोगे, आप सातवां क्वेश्चन बता दिए, दसवां बता दिए, इसमें ऐसा क्यों नहीं किया, तो परेशान करने की कोशिश करोगे, तो वो उसकी पावर थोड़ा डिक्रीज जाएगी, एफ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस समझिएगा, अगर एन वन एन टू के बराबर है, यानी कि टीचर की एबिलिटी और क्लास की एबिलिटी सेम है, या मानिए कि मैं टीचर हूं और मेरे साथ क्लास में मेरे दोस्त बैठे हुए, देर आर सो टीचर, आपने झांका ऐसे क्लास के अंदर, आपको हम दिखेंगे, हम जैसे सब दिखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा लेंस है कहां, तो लेंस डिसअपीयर हो जाएगा। लेंस क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि वहां से वो गायब हो जाएगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा, समझ में आई बात, ऐसा होता है। तीसरी बात है, एन वन इज लेस देन एन टू, एन वन बोले तो लेंस का, मैं पावर की बात कर रहा हूं, हमें मान लो कि टीचर जहां बैठा हुआ है वो इंटर कॉलेज का टीचर है और बगल में डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बैठा हुआ है, तो क्या करेगा, उससे उसको पढ़ाएगा वो नहीं, वो अपना नेचर चेंज हो जाएगा, तो उसका नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, नेचर ऑफ लेंस विल चेंज, उसका नेचर चेंज होगा। समझ आया? तीन चीजें समझ आ गई भाई। जैसे मान लिया हमने कहा आप किसी से गाड़ी लड़ गई और आप पीछे देख रहे हैं और पीछे वाला आपसे ज्यादा बलिष्ठ है, तो आप क्या कहेंगे, गलती हो गई, गलती से ब्रेकअप ने लगा दिया, आप तो सही ठोक रहे थे हमको, अच्छी बात है, लेकिन हमें ही गलत रुक गए, वो बस थी, हमको बस में घुसेर देना चाहिए, लेकिन अब तो ऐसे होगा ना। तो अगर चारों तरफ का जो मीडियम का इंडेक्स ज्यादा है तो लेंस डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लेंस का है, इसके पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है, लेंस के बारे में पूरा हमने बताया, उसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।